हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिवांशु आत्रे, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 10th बोर्ड साइंस के पेपर के बारे में। अगर हम देखते हैं तो सीबीएसई ने पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट यूनिट जो आती है आपकी वो केमिस्ट्री की होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यूनिट वन दिख रहा है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर कैरी 25 मार्क्स, यानी कि हमारी यूनिट वन 25 मार्क्स की आती है। और ये जो यूनिट है ये पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लेके आती है। यहां केमिस्ट्री के 5 चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहां मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन 2 बैलेंसिंग द फॉलोइंग, बैलेंस करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाला आपको दिख रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 अ व्हाइट कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस वाला दिख रहा है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 5 अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन एयर, वाई, है ना, और इसका सेकेंड पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6 अ ब्राउन सब्सटेंसेस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस वाई When hydrogen gas is passed, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शंस वाला, ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस अराउंड अस, सम ऑफ दीज आर नेचुरल वाइल सम अदर्स आर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ये आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, ये क्वेश्चन दिख गया आपको। देन क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अपने आप में है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। मैं क्वेश्चन साथ साथ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ज्यादा देर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख सके और आप इजिली उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें या स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख सकें। देन क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 अ नाइफ विच इज यूज टू कट अ फ्रूट वॉज इमीडिएटली डिप्ड इन टू द वॉटर कंटेनिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको यह क्वेश्चन भी। देन क्वेश्चन नंबर 4 नेम द गैस दैट लिबरेट्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, ठीक है बेटा। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट ऑन हीटिंग लॉसेस इट्स वाटर, ठीक है बेटा। देन क्वेश्चन 6 राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ये अगेन ये भी वॉशिंग सोडा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, देखिए आपको यहां क्या है, सपोर्ट योर आंसर विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, दिख रहा है ना आपको ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बॉटल एक्स कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड एंड बॉटल वाई कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटल एक्स और बॉटल वाई क्या है आपको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन क्वेश्चन नंबर 1 नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दिख रहा है बेटा आपको, है ना, ये लिख लो। देन क्वेश्चन नंबर 2 मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड, देखिए ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें अगर एक भी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, फ्यू आर एटमोस्फेरिक, है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, फ्यू आर न्यूट्रल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर एटमोस्फेरिक ऑक्साइड्स, देन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाला आपको दिख रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रोथ फ्लोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने को आता है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, लेबल डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 गिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग,
ठीक है बेटा। और आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो पार्ट हैं इसके, दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मेटल विच इज लो इन एक्टिविटी सीरीज एंड एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स ओर, है ना। ये आपके बारे में पूरा बता रखा है इस क्वेश्चन को, ये अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज कैल्सिनेटेड। ये डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाउ लाइम वाटर इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा, कैसे बनता है बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर व्हाट कंडीशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकम्स अ कंबशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द रिएक्शंस, आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, है ना, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विशन वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। हमने यहाँ इस तरह से आंसर दे रखा है लिख के, आप चाहें तो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन के अंदर टेबल बना के कर सकते हैं, और वो मुझे भी अच्छा लगता है, आप टेबल्स को ही प्रीफर ज्यादा कीजिएगा, है ना, इसको टेबल में लिख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डस मेसली फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, है ना, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग एन ऑयली स्पॉट फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए यहां पर क्या है, कुछ रिएक्शंस दे दी गई हैं और आपको दे रखा है कंपाउंड्स ए बी सी डी ई, ये अननोन है आपके लिए, तो आप जैसे जैसे रिएक्शंस पूरी करते जाएंगे आपको ए बी सी डी ई मिल जाएगा, वो आपको लिखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट टेक्स अबाउट 6 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर वाला आपको दिख रहा होगा, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर वाला, ठीक है बेटा, ये देख लीजिएगा आप, ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहां डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द के एल एम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, और आपको कोई सा भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, जैसे यहां लिखा है सी ए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20, तो हमने 20 का बना दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, यानी कि के एल एम एन शेल आप इजीली लिख सकते हैं। देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको लिखना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा क्यों होता है कि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट्स एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड XCl2 विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो अननोन आपको फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, है ना, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड वाई, है ना, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, What physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। In the following set of elements, one element does not belong to the set. Select this element and explain why it does not belong to the given set. है ना, आपको चार एलिमेंट दे रखे A, B, C, D. यहां कोई एक बिलोंग नहीं करता, तो आपको बताना है कौन सा नहीं करता और क्यों नहीं करता, ठीक है बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 8, लिमिटेशंस बताने हैं आपको मेंडेलीव के, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको तो बाई हर्ट याद करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, व्हाट वर द टू क्राइटेरिया यूज बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज प्रेडिक्ट टेबल, व्हाई डिड मेंडेलीव लीव सम गैप्स इन द प्रेडिक्ट टेबल, यानी कि मेंडेलीव के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मैंने यहां पर आपको
अगर 5 मार्क्स में आता है तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, दैट इज सफिशियंट। मैंने 6 पॉइंट लिख दिए हैं, आप कोई सा भी 5 पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी यूनिट 1 का। यूनिट 2, 3, 4, 5 जो आपका फिजिक्स और बायोलॉजी की है वो भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। पढ़ते रहो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।